कैंट स्थित ऊपरी बाजार में बंद पड़े मकान में आग लग गई। कैंट में एक बंद पड़े मकान में विगत रात्रि अज्ञात कारणों के कारण आग लग गई। वहीं जब तक किसी को कुछ मालूम पड़ता तब तक मकान जलकर खाक हो चुका था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह मकान पिछले 2 साल से बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता। यहां सोचने वाली बात है, जिस मकान में कोई नहीं रहता वहां आखिरकार आग कैसे लग गई? कितनी लगी थी? रात में उन्हीं के जस्ट बगल में हमारे राइट साइड में संजीप रहते हैं, एक प्रेस वाले भैया है, तो उन्होंने मुझे रात में फोन लगाया, उन्होंने भी उठाया। जब धुआं लगा पूरे में, धुआं देखा हमने कि क्या हो गया। जब रात में सुबह उठ के जब हम लोग आए और आके देखा, हमने बाहर आके देखा तो पूरे अंदर आ गई आग, धुआं ही धुआं। तब जाके हमने फायर ब्रिगेड बुलवाई और सोनम पर डाल के तब जाके सोनम गाड़ी आई। पूरा मकान खाली था, कोई कोई नहीं रह रहा, ये कम से कम 1 साल से कोई नहीं रह रहा। यहाँ ताई ताई जी रहती थी, मतलब पूरा सामान जल के खाक हो गया, पूरा जमा। आप ये देखिए, यहीं से वहीं तक बड़ी आग को बड़ी 2-3 घंटे में वो कर पाई हमने। कैसे तैसे हमने पूरी फायर ब्रिगेड आई, तब जाके बुझा करा, पूरे गेट जले पड़े हैं, पूरा वो जला पड़ा है। वो तो ये मानो भगवान के पास है, हमारे बगल में ही घर मकान लगा हुआ है, वो दीवार नहीं चटकी।